वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 28 मई 2022। लोग हैं लखनऊ के आउटर साइड में और ये हमारा होटल का रूम है। रात को हम लोग यहाँ पे चेकिंग किए थे, तो आज का हमारा टारगेट है शिमला का। देखते हैं अगर कंप्लीट पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। पार्किंग स्पेस है, बाइक्स हमारी यहाँ पे लगी हुई है और ये पूरा प्रेमिसेस है होटल का। ये हमारा रूम है जो कि 1500 रुपये का पड़ा हमें और हम लोग 3 लोग मिल करके इस रूम को शेयर कर रहे हैं विथ AC और ठीक ठाक रहा। पीछे हम लोग की बाइक सारी रेडी हो चुकी है। यहाँ से ठीक बगल में है आगरा एक्सप्रेस वे। ये करिश्मा, दूसरा रॉयल इनफील्ड थंडर बर्ड, थर्ड बजाज एवेंजर 220 और फोर्थ है रॉयल इनफील्ड क्लासिक। ये 4 बाइक्स है अभी हमारी, चारों बाइक का सेटअप रेडी हो चुका है और मेरी गाड़ी की पेट्रोल फिल हो चुकी है। अब बैठते हैं नाश्ता करने के लिए। ये है आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने वाली रोड। लखनऊ से जब आप एग्ज़िट करते हैं आगरा एक्सप्रेसवे के लिए तो ये राउंड अबाउट है। इसी राउंड अबाउट से होकर के हम एक्सप्रेसवे टोल गेट तक पहुंचते हैं। भरपेट नाश्ता हुआ हमारा आज का, मिक्स वेज पराठा बटर के साथ, मज़ा आ गया खा के। लेकिन इतना बड़ा पराठा था वो कि बहुत ज़्यादा ही हैवी लगने लगा मुझे। ये है आगरा एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट। आगे चल के हमें मिलने वाला है टोल, उसके आगे फिर 310 किलोमीटर का सफ़र है एक्सप्रेसवे का। कल का हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया रहा, मज़ेदार रहा। आज का हमारा आगरा एक्सप्रेसवे, देखते हैं ये कैसा है। जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, भाई इंडिया का एक्सप्रेसवे है, ऐसा वैसा थोड़ा ही बनेगा। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो ये आ गया है टोल गेट आगरा एक्सप्रेसवे का और यहाँ पे हमें देनी है फीस। बाइक के लिए भी यहाँ पे टोल लगता है, जैसे हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 335 रुपीस दिया था, अभी यहाँ पे देखते हैं कितने रुपए का फीस बनता है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 7 और 8 नंबर है बाइक्स के लिए, तो हम लोग चले अब 7 और 8 पे। 7 और 8 कौन सा है? 7 8, ये है 7 8। कितना? हाँ 3 तो यही है टोल। टूर पे जा रहे हैं लद्दाख है? 2-3 दिन लगे, पूरे रास्ते घूमते हुए जाना, उधर से मतलब कि शिमला के आगे घूमते हुए जाना है। ले लद्दाख है, टुटुक वैली है, उधर रिकोंगपियो है और जितने भी उधर है ना घाटियाँ सब, श्रीनगर वगैरह होते हुए हैं। चार गाड़ियाँ हमारी। नहीं नहीं हमारी दुकान है, बिजनेस है। तो ये हो गया 325 रुपये का यहाँ पे रसीद कटा हमारा। पुष्कर आगे चले गए क्या? हाँ चला गया, पुष्कर आगे चला गया लगता। तो यहाँ पे कटा है हमारा रसीद 325 रुपये का जो कि है आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ से आगरा तक का ये एक्सप्रेसवे है और ये भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा ही है, पहले का बना हुआ है पूर्वांचल से। इस हाईवे पे जो मेरी स्पीड है वो अराउंड 93 के करीब में मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है पूरी स्पीड में 100, 110, 120, बट अपनी क्या है बाइक है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 80-90 के बीच में रखता हूँ मैं। लगातार चले जा रहे हैं, अब तक मैं 40 या 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया हमने और इसमें गाड़ियों की संख्या तो है ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन एक सीट चलते रहिए थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। ओ
कुछ यहाँ पे काम चल रहा है अभी। ये स्लैब्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ताकि एयर डिवाइडर के लिए स्लैब्स यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये हवाई पट्टी है और इस पे एरोप्लेन फ्लाइट, इमरजेंसी लैंडिंग कुछ भी हो सकता है इधर में, खास करके युद्ध पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वो हवाई पट्टी अब ख़त्म हो गया, वापस से पिच वाला रोड स्टार्ट है। यहाँ से उन्नाव और हरदोई का रास्ता भी निकल रहा है। रेस्ट और सर्विस एरिया का साइनेज 2 किलोमीटर बाद में है, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुकना है। कंटिन्यूस 50 किलोमीटर हो गया चलते हुए, थोड़ा सा शरीर को चाहिए कि बाइक छोड़ के उतरे और थोड़ा टहले। वो सामने जो दिख रहा है वो है फूड किंग, यहाँ पे रुका जाए। ये थोड़ा सा एक्सप्रेसवे से साइड उधर करके है, ट्रक पार्किंग, ढाबा, फूड कोर्ट, पब्लिक टॉयलेट। चलिए ये भी आ गए, ये भी आ गए। ये वो फूड कोर्ट है जहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया है। राही फैमिली कैफ़े नाम है और अच्छा है, ऊपर में एसी बना हुआ है। आप यहाँ पे बैठ करके चाय वाय, कॉफ़ी या कुछ भी जो है स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कीजिए, खाइए। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। चलते हैं आगे। सूट तो पूरा गर्म हो गया होगा, श्योर है। ओए होए, जल गया भाई, जल गया पिछवाड़ा, जल गया मेरा। तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। लखनऊ से अभी तक हम लोगों ने 130 किलोमीटर क्रॉस किया हुआ है। इस सिलसिलाती धूप में गाड़ी चली जा रही है हमारी, स्पीड कुछ 85 टू 100 के बीच में रह रहा है अभी। वहाँ लास्ट ब्रेक लिया था, लास्ट ब्रेक के बाद में थोड़ा चाय वाय पीने के बाद से अभी कंटिन्यूस है, अभी तक एक भी स्टॉपेज नहीं लिया है। लेकिन लगता है थोड़ा सा रोकना पड़ेगा कहीं 2 मिनट के लिए, थोड़ा गर्दन में मेरे हल्का हल्का पेन सा आ रहा है। ये सामने जो रोड है ऊपर नीचे दिख रहा है रोलर कोस्टर की तरह, तो पता नहीं सही में है या फिर ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये सेकंड स्टॉपेज हम लोग का है फूड कोर्ट, सेकंड वाला फूड कोर्ट जो है, जो कि अभी यहाँ से आगरा जो है 105 किलोमीटर है, और उससे पहले ये वाले फूड कोर्ट पे हम लोग फिर से रुके हैं। 30 मिनट्स का ब्रेक यहाँ भी लगा हमारा, और अब जा रहे हैं वापस हम लोग आगे आगरा की तरफ। तो एक्सपेक्टेड है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हम लोग आगरा में रहेंगे। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये पूरा मिट्टी काट करके ये बनाया गया है। मेरे ख्याल से ये कुछ लगता है पहाड़ चट्टान वगैरह कुछ होगा, उसको काट करके ये पूरा हाईवे बना हुआ है। और कसम से मज़ेदार हाईवे लग रहा है, इस हाईवे पे गाड़ी चला करके बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट 100+ लेकर के जा रहा हूँ मैं, बट फिर वापस से 85-84 करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा स्पीड में बाइक बहुत वाइब्रेशन कर रहा है। प्रचंड धूप है, गर्मी भयंकर है,
के बीच में ये गाड़ी चल रही है। दोपहर के अराउंड 3-3:30 बज रहे होंगे। जैसे जैसे शहर के नज़दीक पहुंच रहे हैं ना, आगरा के नज़दीक पड़ रहे हैं, गाड़ियों की ट्रैफिक बढ़ गई है। पूरे रास्ते में इतनी गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी जितनी कि अब नज़र आ रही हैं, और ज़्यादातर गाड़ियां जो है स्पीड में। अभी अभी एक विडंबना हो गई है, मेरी बाइक का जो लेफ़्ट साइड का सॉकर है अचानक से टूट गया, और गाड़ी मेरी अच्छी स्पीड पे थी, और जब आवाज़ हुआ हल्का सा तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड किया। साइड करके जब मैंने चेक किया तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन जब नज़र मेरी सॉकर पे गया तो मैंने कहा कि यार ये तो सॉकर टूटा हुआ है। तो फिर मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड अब जो है 39-30 ऐसे करके लेकर चलना पड़ रहा है। और शुक्र मनाइए कि एक्सप्रेसवे एग्ज़िट का जगह पे ही हुआ है ये, तो एग्ज़िट से कुछ 5 किलोमीटर पहले ये टूटा है। तो अभी मैं पिछले 5 किलोमीटर से गाड़ी को इतना धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे जर्किंग ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा हचका मार रहा है गाड़ी। तो ये सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है जब मेरा सॉकर टूटा है। ये पुराना वाला सॉकर है जो कि टूट गया आज आगरा एक्सप्रेसवे पे, और ये नज़दीक में 4 किलोमीटर पे है कोई सर्विस सेंटर, मुझे वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी सारा लगेज हटाया, और लगेज हटा करके अब मैं देख रहा हूँ कि ये पुष्कर वगैरह कहाँ चले गए।